कहाँ है? क्या हुआ मेरे बच्ची को? बाबा ऑपरेशन थिएटर में है, दुआ करें। मुझे आप दोनों से एक बात पूछनी है। सवाल ऐसा है जिसने जिसने मुझे सोने नहीं दिया, मेरी आंखों से नींद छीन ली है। खुशी भाभी, भाभी मेरी बात तो सुनिए भाभी, मैं आपके साथ जाऊंगा। कैसे भाई, प्लीज मैं अकेले जाऊंगी। भाभी वहां आपका अकेले जाना मुनासिब नहीं है। मुझे जाने दें प्लीज। खुशी इतने गुस्से में दिखाई दे रही थी, कहाँ गई है? हुमायला जी, जिस शख्स ने खुशी भाभी के सियासी कैरियर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, खुशी भाभी उस शख्स को उसके खेल का अंजाम बताने गई है। अल्लाह खैर रखे, आज से पहले मैंने खुशी को इस तरह गुस्से में कभी नहीं देखा। This is Nawab Wahidullah. In the name of the law, मैं आपको अरेस्ट करता हूं। ऑफिस में दो चार मौजज़ीन से मीटिंग चल रही है, एक डेढ़ घंटे में फ्री हो जाऊंगा। जैसे ही फुर्सत मिले आप मुझे इत्तला कीजिए। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स कैसी खुशी लेके आया चांद। शुक्र है खुदा का, तुमने भी इस घर की दहलीज पर कदम रखा। मुझे आपके शौहर से कुछ बात करनी। अरे हमें कोई याद करे तो सही, हम तो हाजिर होते। वैसे जाने की जहमत कैसे किया? तुमने चंद लिफाफा खोर सहाफियों और एक आध बदनाम जमाना लालची को खरीद कर मेरे सियासी करियर और अपने मरहूम चाचा नवाब वहीदुल्लाह के नाम को बदनाम करने की कोशिश की। तुम अपने गलीज सोच के गटर में रहने वाले वो मेंढक को जो अपनी आंखों का गंदा पानी दूसरों के दामन पे फेंक कर खुद खुशी से छलांगे लगा। अरे वाह 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 वाह, तुम तो लीडर बन सकती हो, क्या खूब बोलती हो, तुम्हें आगे आने से कोई नहीं रोक सकता।
एक इत्तेफाक को रोमांस का नाम देकर तुमने मेरी बदनामी के लिए अखबारात में तस्वीरें लगवाई, सुर्खियां लगवाई, और ये बात साबित हो चुकी है कि तुम ही वो दुश्मन हो जो हमारी पार्टी को अपने इशारों का मोहताज देखना चाहते। तौबा, 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 ये तो इल्जाम है, सरासर नाइंसाफी है। भला मुझे तुम्हारे कॉलोफेल से क्या वास्ता? और मैं पार्टी का एक अदना सा मेंबर हूँ, आला ओहदेदारों के होते हुए मैं पार्टी को अपनी मर्जी से कैसे चलाऊंगा? इम्पॉसिबल। झूठ मत बोलो शमशेर, तुम अपनी अखलाकी करवाहट का सबूत दे चुके, तुम बेनकाब हो चुके हो। तुम तो मुझसे लड़ने के लिए आई हो, लेकिन मैं अपने घर में तुमसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार, एक अमन पसंद शख्स हूं। खवातीन को जलील और रुस्वा करना मुझे कतई पसंद नहीं। ये फूल जैसे चेहरे काबिले एहतराम होते हैं, कोई बदजौक ही होगा जो इनकी मोहब्बतों से। किस मोहब्बत की बात कर रहे हो असलम शेख? मैं तो उसी लम्हे की बात कर रहा हूँ जो कैमरे की आंख ने महफूज किया। वैसे कैमरा बिना पता नहीं किस बदबख्त ने इजाद किया, इतना सच बोलता है कि जो देखता है वो ही छाप देता है। मिसेस असलम शेख, अगर आप सुहागन रहना चाहती हैं तो अपने मक्कार और चालबाज शौहर को समझा दें, ये तो एक हद से गुजरा है। मैं हर हद से गुजर जाऊंगी। माइंडेड असलम शेख, This is Nawab Wahidullah. In the name of the law, मैं आपको अरेस्ट करता हूं। लेकिन किस जुर्म में? मुदैया का चेहरा देखकर यकीनन आपके सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल गया होगा। एसपी, एफआईआर मुदैया के चेहरे पर लिखी हुई नहीं है। वो जुर्म बताओ जिसकी आड़ में तुम इस बाइज्जत घर के अंदर दाखिल होने की जुरत कर चुके हो। जमीला बेगम, पुलिस की वर्दी पहनकर आया हूं, जाहिर सी बात है कानून जानता हूं, वरना क्यों पहनता। आप बैरिस्टर अल्ताफ हुसैन के कत्ल की प्लानिंग में शामिल हैं। लगता है कानून की तरह तुम भी अंधे हो गए ऑफिसर, तभी एक बेगुनाह को गिरफ्तार करने आए हो। आप बेगुनाह हैं या गुनेगार, यह फैसला तो अदालत ही करेगी। ठहरिए एसपी साहब। पहले मुझसे तुम लिए। मैं हूं
एमपीए जैनब और इस घर की बड़ी बहू। अफसोस, आपका तारुफ मुलजिमा की कोई भी मदद नहीं कर सका। मुमकिन है ये ताकत कहीं और काम आ सके। आप हर धरनी कर रहे हैं एसपी साहब। और आप भी जिद मत कीजिए एमपीए साहिबा। और याद रखिए, कानून का रास्ता सिर्फ कानून रोक सकता है और कोई नहीं। अब हमें इजाजत दीजिए, मुझे भी और अपनी प्यारी सी सासू मां को। गिरफ्तार करो इन्हें। क्या होगा भाभी? क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस लोग अखबार में नवाब वहीदुल्ला के नाम पर थोड़ी कीचड़ उछालेंगे और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। बस लगता है इस हवेली को इसकी वक्त वक्त की नजर लग गई है। भाभी हमें कुछ तो करना चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए मैं हूं ना। तुम इस घर में मेहमान बनकर आई हो, मेजबान बनने की कोशिश मत करना। जहे नसीब जो आपने मुझे फोन कर दिया। मेरा ख्याल है कि आपके जहन ने जो ऑप्शंस थे उसमें से एक कबूल कर लिया और दिल मान गया। आप मुझे ये बताइए कि आप हैं कहाँ? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ इसी वक्त। ओ गॉड, इतनी बेकरारी, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। जो पूछा है आपका ही जवाब है। शेख साहब आप हैं कहाँ? अरे हमने कहाँ जाना है, शरीफ आदमी है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अगर बीच में कोई चक्करबाजी हो जाए तो ये तो नसीब की बात है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि इस वक्त आप कहाँ पे हैं? ऑफिस में दो चार मौजज़ीन से मीटिंग चल रही है, एक डेढ़ घंटे में फ्री हो जाऊंगा। जैसे ही फुर्सत मिले आप मुझे इत्तला कीजिए, क्योंकि मेरा आज आपसे मिलना बहुत जरूरी है। समझ गया, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। Such a stupid psycho. हर किसी के माजी में जवानी की कोई ना कोई कहानी होती है। बकौल शायर के, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। पता नहीं क्यों ये मिसरा जहन में फंस कर रह गया। मत भूलो एसपी, तुम इस वक्त नवाब वहीदुल्ला जैसे मोतबर इंसान की बीवी से बात कर रहे हो। मोहतरमा सरकार, जब साईं रुखसत हो जाते हैं ना तो इंसान लावारिस बन जाता है। लेकिन मैं लावारिस नहीं हूं, ये तुम बहुत जल्द देख लोगे। आप तो खामखा गुस्सा हो गई। यहां कानून आपका वारिस है, आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। एक शरीफ सादी को थाने तक ले आए हो, इससे ज्यादा तकलीफ और क्या दोगे? बेगम साहिबा, दरअसल ये थाने शरीफ लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। लुच्चे लफंगे सोसाइटी में बड़े ऊंचे पोजीशन पर हैं, उनके मामलात, उनके मसले मसाइल थाने की हुदूद के बाहर ही रफा दफा होते हैं।
आप फिक्र ना कीजिए, ये ले ले, फ्रूट खाए। कहिए, आज तबीयत में इतनी तेजी कैसे? गुजरते हुए वक्त का अपना तकाजा होता है शेख साहब। लेकिन मौसम के तकाजों को भी तो जानना चाहिए। सही, इंसान के अंदर का मौसम अच्छा हो तो बाहर का मौसम अक्सर ठीक ही लगता है। क्या फैसला करके आई हो? ये पूरे 5 करोड़ का चेक है। अगर मैं सदर की कुर्सी पर बैठ गई तो मैं मजीद 5 करोड़ आपको और दूंगी। इसकी क्या गारंटी है कि बाद में भी 5 करोड़ पे दोगी तुम? ये ट्रस्ट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। काश काश तुम मेरे दिल पर एतबार कर लेती, कितना तड़प रहा है तुम्हारे लिए। रकम आपको मिल चुकी है, अब आपका मेरे साथ जज्बाती नहीं, एक प्रोफेशनल रिलेशन होना चाहिए। हाय रे किस्मत, ये पैसा भी क्या अजीब चीज है, अच्छों अच्छों के मुंह बंद कर दे। ओके ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारी ये रकम अपने घर में संभाल के रखूंगा अमानत के तौर पे। तुम जब चाहो दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करके अपनी ये रकम वापस ले सकते हो। अरे ये ऑप्शन छोड़िए शेख साहब, मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आज एसपी हुसैन जमीला बेगम को अल्ताफ हुसैन के कत्ल की प्लानिंग के जुर्म में घर से गिरफ्तार करके ले गया है। कुछ भी खैरियत नहीं है भाभी, अम्मी जान को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। आपने किराए के कातिल को ढेर सारे पैसे दिए और उन्हें मरवा दिया गया। ये झूठ है। कैसी खुशी, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। कैसी खुशी, सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। अरे वाह वाह वाह, खबर तो तुमने ऐसी सुनाई है कि जी चाहता है कि तुम्हें ये चेक वापस कर दूं, लेकिन करूंगा नहीं। मुझे मुबारक, तुम भी मुझे मुबारकबाद दो ना। ये गिरफ्तारी नवाब खानदान की रेपो को खाक में मिला के रख देगी। लेकिन ये मत भूलना कि मेरा ताल्लुक भी उसी घराने से है। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए रास्ते बनाना मेरा काम है। हेलो भाभी, कहाँ हैं आप? कब से आपको फोन ट्राई कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। अरमान भाई भी फोन नहीं उठा रहे। हाँ उनकी मीटिंग थी, शायद फोन साइलेंट पे हो। तुम बताओ सब खैरियत है ना? कुछ भी खैरियत नहीं है भाभी, अम्मी जान को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। क्या? ओके ओके, डोंट वरी, आप वहां पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। ओके, okay.
मुझे मेरे सवाल का जवाब दो एसपी, मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि मोहतरमा, आप पर बैरिस्टर अल्ताफ हुसैन के कत्ल में मुलव्विस होने का चार्ज लगा है। आप उनके कत्ल के प्लानिंग में शामिल हैं। मैं अल्ताफ हुसैन के कत्ल की प्लानिंग क्यों करूंगी? वो मेरा दुश्मन तो नहीं था। अब दुश्मनों की जरूरत कहां? आजकल तो दोस्त दोस्तों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और बेचारे अल्ताफ हुसैन साहब वाकई बड़े बदकिस्मत थे। वो तो आपके हाथों दो बार कत्ल हुए। क्या मतलब? मतलब यही कि एक बार तो आपकी आंखों में डूब कर मारे गए और दूसरी बार आपने किराए के कातिल को ढेर सारे पैसे दिए और उन्हें मरवा दिया गया। ये झूठ है। लेकिन ये सच जरूर है कि वो आपसे मोहब्बत करते थे। अल्ताफ हुसैन मुझसे मोहब्बत करते थे, मैं नहीं। मैंने जिससे मोहब्बत की उससे शादी कर ली। देखिए मिसेस नवाब, मैं यहां आपसे बहस करने नहीं आया हूं। हमारे वॉइस एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट्स और हमारे फोरेंसिक टेक्नीशियंस इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उस कातिलाना कॉल में जिस खातून की आवाज है वो आप ही की है। मैंने इस मामले में किसी को कोई फोन कॉल नहीं करवाई है और ये बात मैं अल्ताफ हुसैन की वकील बहन को भी बता चुकी हूँ। वकील साहिबा ने ही आपके नाम FIR दर्ज करवाया है। मुदई भी वही मौसूफा है। सर, बाहर आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। देख लें मिसेस नवाब, आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप सब कुछ सच सच बता दें, बाकी आप पर है। बहरहाल आप सोच लें, मैं जरा आता हूं। एक्सक्यूज मी। ओहो नहीं, अरे हमें मिसेज नवाब की खातिरदारी करनी चाहिए। काम करो, मिनरल वाटर, टी, कॉफी, जूस सर, और वो भी हमारी तरफ से। कौन है? सर वो अरमान और खुशी साहब। मिसेज नवाब का दावा बिल्कुल दुरुस्त निकला। वो कह रही थी कि वो लावारिस नहीं। वैसे आप लोगों ने यहां आने की जहमत क्यों की? बेफिक्र होकर घर चले जाए। यहां हमारे सरकारी मेहमान खाने में इन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। एसपी साहब, हम यहां आपके मेहमान नवाजी का कसीदा सुनने के लिए नहीं आए। हमारे यहां आने का कोई और मकसद है। ये मिसेस नवाब का जमानत नामा है। इसे पढ़ लीजिए और चची जान को इज्जत के साथ हमारे साथ रुखसत कर दीजिए। शाम के 5 बजे तमाम कोर्ट कचहरी बंद होते हैं। आपने ये जमानतनामा कहां से हासिल किया? हम आपको कानून तो नहीं सिखा सकते, लेकिन कोर्ट के जज साहिबान 24 घंटे ही जज ही होते हैं। नहीं जाओ, इन्हें बाइज्जत बाहर ले आओ। सर यहीं पे ले आओ। हाँ भाई, उनका जमानतनामा आ गया और ये कागज का टुकड़ा हर मुलजिम की आजादी के लिए एक परवाना है जिनके वारिस जिंदा हो। जाओ मिसेज नवाब को ले आओ। सर आपने ये जमानतनामा हासिल करने के लिए किस लॉयर को हायर किया? सच को वकालत की जरूरत नहीं होती वकील साहिबा, और हम आपके सवालों के जवाब देने के पाबंद नहीं हैं। शुक्रिया।
चलिए चची जान, आप आजाद हैं। मुबारक हो मामानी जान, आज रात अगर आप लॉकअप में गुजार लेती तो हमारे साथ साथ मामू जान की रूह भी तड़प उठती। मुबारकबाद के असल मुस्तहिक तो खुशी और अरमान है। एन वक्त पर ये लोग जमानत के पेपर्स लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गए। अम्मी जान, मैं भी आपकी बेटी हूँ, अगर बच्चे माँ बाप के लिए अच्छा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारा फर्ज था। खुदा तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह पाक ने हमारी इज्जत रख ली, वरना कुछ भी हो सकता था। कुछ भी नहीं हो सकता चाची जान, मैं हूं ना। मैं शहर के मौजज़ीन के साथ एसपी ऑफिस गया था तो पता चला कि अरमान और खुशी आपको घर ले आए। आपकी गिरफ्तारी का सुन के मुझे बहुत तैश आया, पर मैं क्या करता। ऊपर से लंदन से मुराद का फोन आ गया। वो कहने लगा कि आपके होते हुए सब क्या हो रहा है। जाहिर है उसका गिला भी दुरुस्त था, आखिर मैं इस घर के बड़ों में शुमार होता हूं। ये अलग बात है कि आप लोग ये बात तस्लीम करें या ना करें। असलम, हम सभी तुम्हें अपना समझते हैं, तुम ही अक्सर बेगाने बन जाते हो। नजरियात का इख्तलाफ हर घर में होता है फूफी जान। बहरहाल मैं आप सब लोगों की इजाजत से एसपी और वकील शगुफ्ता के खिलाफ कोर्ट में केस करना चाहता हूँ। अब केस अदालत में, आप अपनी मेहरबानी का इस्तेमाल मत करें। बेटा, असलम भी अपना ही है ना, अपनों का ख्याल आ ही जाता है। असलम बेटा, तुम्हारी हमदर्दियों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब जब मेरे कदम घर से बाहर निकल ही चुके हैं तो फिर अब मैं सब कुछ खुद ही देख लूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसे क्यों देख रहे हो? खैरियत है? बैठो। जान तुम्हें क्या हो गया है? अम्मी जान जमानत पर रिहा होके घर आ चुकी हैं और तुम एक बार भी मिलने उनसे उनके कमरे में नहीं गए। तुम तो हर बात का बतंगड़ बनाती हो। मैं जानता था अम्मी बेकसूर हैं, वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। ऑब्वियसली वो घर तो आना ही था वापस। अल्लाह, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? क्या समझाओगी मुझे? और आज की तारीख में मुझे इसकी रिसीविंग भी दे दो। कॉम्पिटिशन मुबारक हो खुशी। ये सियासी कॉम्पिटिशन नहीं, नवाब वहीदुल्ला की बड़ी बहू उनकी छोटी बहू के साथ मुकाबला करना चाहती है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स, कैसी खुशी लेके आया चांद। वही जो तुम जानकर भी जानना नहीं चाहते। तुम तो ये भी नहीं जानते कि कुरतुलैन की मौत के बाद शायान और सोहा का क्या होगा। होना क्या है, तुम आंटी से बात करो, सोहा की अब शादी हो जानी चाहिए। मैं मानती हूँ तुम अपना माजी भूल चुके हो, लेकिन अब जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे सामने है। तुम्हारी बर्थडे पर कुरतुलैन के मुंह से निकलते हुए अंगारे हमीर अंकल के दिल पर पड़े हैं। तुम्हें क्या लगता है, बेटी की मौत के बाद क्या वो इस घर से अपनी रिश्तेदारी निभा पाएंगे? कुरतुलैन की खामोश मोहब्बत के जुनून पर वो
सोहा और शायान का मुस्तकबिल तो कुर्बान नहीं कर सकते ना। तुम आंटी से बात करो चांद, सोहा तुम्हारी बहन है। मैं मान चुका हूँ मेरी बहन है, तो क्या अब ये भी मान लूँ कि खुशी मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है? खुशी तुम्हारी बीवी है, ये भी तुम्हें मान लेना चाहिए। अगर खुशी मेरी बीवी है तो तुम क्या हो हमायला? मैं तो कुछ भी नहीं, बस यूं समझ लो कि लोग रास्तों में मिलते हैं और रास्तों में ही बिछड़ जाते हैं। ये तुम्हारा हौसला है हमायला, मगर तुमसे बिछड़ कर मैं कैसे जीऊंगा, ये कभी सोचा तुमने? अस्सलाम वालेकुम भाभी। ये फाइल तुम्हें बताएगी कि पार्टी सदर का इलेक्शन मैं भी लड़ूं। ये तो हक है भाभी आपका, लेकिन बस यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगी और ना ही तुम्हारा कोई मशवरा। नॉमिनेशन पेपर सही कर लो और आज की तारीख में मुझे इसकी रिसीविंग भी दे दो। कंपटीशन मुबारक हो खुशी। ये सियासी कंपटीशन नहीं, नवाब वहीदुल्ला की बड़ी बहू उनकी छोटी बहू के साथ मुकाबला करना चाहती। तुम प्लीज चुप रहो, ऑफिस में आपस का झगड़ा ठीक है। आप भी प्लीज अपनी जुबान भी बंद रखें। अरमान साहब प्लीज, क्योंकि ये मेरा और खुशी का मामला है। और इस मामले की शुरुआत आज हुई है, अब देखना यह है कि इसकी इंतहा कहां तक है। इंतहा तो सिर्फ खुदा जानता है, मैं और आप तो जमीन पर रेंगने वाले छोटे मोटे कीड़े हैं जो कि कुछ नहीं जानते। हाँ, good. Too good. Seriously, कितनी डाउन टू अर्थ बनने की कोशिश कर रही हो तुम। अल्लाह, चलो मुझे तो पता है मैं तो एक इंसान हूं, हो सकता है तुम वो चूंटी हो। चलो नेक्स्ट टाइम आऊंगी ना तो अपने स्पर्स में मैं कीड़े मार दवा भी साथ लेकर आऊंगी। भाभी नो भाभी भाभी, कॉम्पिटिटर से अपना घरेलू ताल्लुक जताने की कोशिश मत करो। तुम्हारी और मोहतरम किबला अरमान साहब की रिलेशनशिप तो वो घुन है जो तुम्हारी नेक नामी को खा चुका। मैं चैलेंज करती हूँ पार्टी मेंबरान किसी भी बदनाम को नाम वाली कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं देंगे। चलती हूँ, बाय। वैसे तुम दोनों को अब एहतियात की जरूरत है। बाबा, मर जाने वालों के बाद भी जीना तो पड़ता है। गुड, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम्हें यकीन है ना कि तुम जीत जाओगी? अगर सोहा दुल्हन बनकर खत्री के घर आ गई तो वो हमारे सियासी जाल के धागे तोड़कर फरार हासिल कर लेगा। प्लीज शायान, कोई भी बुरी बात मुंह से मत निकालो, बस तुम अपने बाबा को हमारे घर ले आओ, फिर सब मसले हल हो जाएंगे।
ठीक कह रहे हैं आप। कुछ वो जैसे होते हैं जिन्हें अपने आप को हल्का करने के लिए उतारना पड़ता है।